नमस्कार दोस्तों, ये वेल्डिंग मशीन है हमारी। इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर है ये, उससे जो है बनी हुई है। स्पार्क भी इसमें बढ़िया हो रहा है और सेव भी है ये। कितनी सेव है ये अभी हम देखते हैं इसे। पहले हम एक बार इसे वेल्डिंग करके देख लेते हैं। तो इस तरह से इससे वेल्डिंग हो सकती है, जिस तरह से ये काम कर रहा है उस तरह से। तो ये इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर है जो कि पुराना है और हमने इसे निकाला है। ये माइक्रोटेक का इन्वर्टर है और 1500 EV इसमें लिखा है। तो इसे निकाल लेते हैं, इससे ही हमने इसे बनाया है। इसमें जो है क्योंकि पुराना है तो धूल मिट्टी लगी है। ये दो तारें जो इसकी हैं ये इसमें लगी थी यहाँ पर, जो ये इसमें जो है ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं एल्युमिनियम के, जो ये बड़े बड़े से हैं यहाँ पर, ये वाले एक यहाँ और दूसरा तार जो है जिसमें नट बोल्ट लगा है ये दूसरे में लगा था। इसी से हम जो है बनाएंगे। इस ट्रांसफार्मर में ऊपर चार तारे हैं, चार तारों में से जो बीच वाली तार है यानी कि जो लाल वाली तार है जो कि बाहर को निकली रहती है इन्वर्टर से, उसमें हमने टैप लगा दिया है। यानी कि ये जो है जो ऊपर साइड इसमें चार तारे हैं ये 24024 का ट्रांसफार्मर है ऊपर साइड से। सबसे पहले इसकी सफाई कर लेते हैं हम, उसके बाद देखते हैं। नीचे साइड इसमें तीन तारें लगी हैं क्योंकि ये पुराना ट्रांसफार्मर है तो इसमें धूल मिट्टी वगैरह लगी है, इसलिए इसकी पहले सफाई करके फिर देखते हैं इसे। ये दो तारे हैं जिनमें हमने टैप लगा दिया है जो कि जीरो है, 24024 का है ये ऊपर से। और इसमें नीचे साइड आप देखेंगे तो ये तीन तारे हैं। इसमें जो है एक काली तार है जो कि न्यूट्रल है और बीच वाली तार जो है वो 140 वोल्ट उसमें से निकलता है जो कि चार्जिंग के लिए होती है हमारी, और 270 जो है जब हमारी लाइट चली जाती है तो ये वाली जो है ये सफ़ेद वाली जो है ये 140 बैटरी चार्ज के लिए है और चार्जिंग के लिए। और ये जो है 270 मान के चलिए आप, जनरली 250। तो जब लाइट चली जाती है तो ये हमें जो है घर के लिए देता है इसमें से। तो हम इसमें जो हमारी बीच वाली तार है, काली वाली हमारी न्यूट्रल है, बीच वाली जो तार है इसमें हम इसे छोड़ देंगे, इसमें टैप लगा देंगे और डायरेक्ट यहाँ से 220 वोल्ट की इसे सप्लाई देंगे। यहाँ से हम इसे 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे, सफ़ेद वाली में हम टैप लगा देंगे, इसका कोई काम नहीं है। ये जो है बैटरी को जल्दी चार्ज करता है इसलिए वो है। और जो ऊपर साइड है हमारी, ये जो नीचे साइड की तीन तारें हैं जो हमने सफ़ेद वाली में टैप लगा दिया, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 220 की सप्लाई जोड़ देंगे। काली वाली हमारी न्यूट्रल है एक इसमें, और दूसरी लाल वाली जो है हमारी उसमें जोड़ देंगे दो तारे। यहाँ से हम इसे 220 की सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप टैप भी लगा सकते हैं। और इसी जो है
इस तरह से आपस में चिपकने नहीं चाहिए ये। और ये बीच वाला जो था सफ़ेद वाला, वो हमने जो है उसमें टैप लगा दिया, तो नीचे का काम नीचे साइड का इतना ही था। अब हम ऊपर साइड आते हैं। ऊपर साइड से हमारी जो है 24024 आती है, तो जीरो है जो वो उसे हमने छोड़ दिया है, उसमें हमने पहले ही टैप लगा दिया था। और यहाँ पर हमने एक तार लिया है जो कि 6 square mm का है ये। यहाँ पर आप 10 square mm का भी ले सकते हैं, मोटा तार होना चाहिए क्योंकि होने को तो ये 24024 है इस तरफ से, लेकिन इसमें जो है एम्पियर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक तार हमने जो है इसमें जोड़ दिया है 6 mm का, और उसका जो दूसरा सिरा था उसको हमने एक कील से जो है बांध दिया है। ये नीचे की तरफ से जो तीन तार निकले थे वो कनेक्शन है, और ऊपर साइड हमने जो है ये दो लाल वाले, यानी कि ये जो बीच का तार है इसे हमने छोड़ दिया है, और आमने सामने के जीरो को हमने छोड़ दिया। 24024 जो निकलेगा इसमें से वो वहाँ पर हमने ये तार हमने जोड़ दी है, एक 6 mm की इस तरफ को, और इसका दूसरा सिरा हमने कील से जोड़ दिया है। और ये जो दूसरी तार हम दूसरे वाले में जोड़ेंगे, इसमें नट बोर्ड लगा है हमने इस तरह का, एक ये वेल्डिंग रॉड लगाई है एक लकड़ी पे, और इस तरह से हमने जुगाड़ बनाया है ये। और इसमें भी हमने 6 mm की तार लगाई है, और इस तरह से हमने दूसरे पे जोड़ दिया है। दो साइड से इसको बिल्कुल टाइट कसना है ताकि ये स्पार्किंग न कर सके। दोनों साइड से हमने जो नीचे से तीन तारें निकली हैं उस तरफ से भी बीच वाली छोड़ दी है, और ऊपर से भी जो तीन तारें निकली हैं उसमें भी हमने बीच वाली छोड़ दी है। अब हमने इसे डायरेक्ट 220 की सप्लाई दी है, और अब देखते हैं इसे। इस तरह से ये काम करता है। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि शुरू में जो है ये थोड़ा सा दिक्कत करता है पकड़ने में, वो इसलिए कि रॉड ठंडी रहती है, तो आप इसे हल्का हल्का स्पार्क करेंगे तो ये आसानी से स्पार्क होगा हालांकि, लेकिन एकदम से नहीं होगा। इस तरह से तो आराम से हो रही है, बिल्कुल इसमें पूरा स्पार्क है। इसका जो एम्पियर है लगभग 80 से 100 एम्पियर के लगभग समय ये है, और इसमें जो हम रॉड इस्तेमाल कर रहे हैं ये 10 नंबर की है, और 12 नंबर की ज़्यादा उपयुक्त रहती है। तो ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से अब ये करने लगा है। जैसे ही रॉड गर्म हो जाती है, जलने लगती है, तो ये आराम से जो है वेल्डिंग हो जाती है। इसमें वेल्डिंग करने का काम हालांकि हमारा नहीं है, लेकिन ये कभी ना कभी हमें इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है, क्योंकि हम भी इसे पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा घबराहट तो हो ही रही है, लेकिन ये काम जो है बढ़िया तरीके से कर रहा है, जो कि हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और ये कितना फ़ायदेमंद है ये अभी हम देखेंगे कि वाकई में हम इसे कर सकते हैं। तो ये बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, हालांकि हम इससे छोटे मोटे काम बड़े आराम से कर सकते हैं, और ये काफ़ी सेफ भी है क्योंकि इसमें जो है डायरेक्ट एसी लाइन नहीं है, तो इस हिसाब से ये जो है काफ़ी सेफ है। तो ये जैसे ही रॉड हमारी लाल हो जाती है फिर ये बिल्कुल बड़े आराम से काम करती है। हल्के छोटे मोटे जितने भी काम हैं, कुछ भी अगर कुछ खोलना है या चिपकाना है जोड़ना है, तो ये आराम से इस तरह से वेल्डिंग इससे हो जाती है।
वेल्डिंग आराम से हो जाएगी, लेकिन हम इससे कितनी देर वेल्डिंग कर सकते हैं तो अब हम ये देखेंगे। और गर्म भी काफ़ी हो रहा है ये, तो इसके ट्रांसफार्मर को हम देखते हैं। इसके ट्रांसफार्मर को हमने देखा, हमने तार वगैरह सब निकाल दी, तो काफ़ी गर्म हो जा रहा है, यानी कि हम इससे कम से कम थोड़ा रुक रुक के, यानी कि 10 मिनट उसके बाद फिर रुक के, फिर 10 मिनट 15 मिनट इस तरह से हम थोड़ा रोक के अगर इसे करें तो ये बेहतर रिजल्ट दे सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।